में हड़ताल के पांचवे दिन भजन कीर्तन के साथ सरकार को दिया संदेश। नर्स एसोसिएशन द्वारा आज हड़ताल का पांचवा दिन है, जहां भजन के माध्यम से सरकार को संदेश दिया जा रहा है। वहीं मरीज हॉस्पिटल में परेशान हो रहे हैं। यहां आपको बता दें, नर्स अपनी मांगों को लेकर सभी नर्सिंग धरने पर बैठी हुई हैं। लगभग पूरे मध्य प्रदेश में 40,000 नर्सेज हैं, काम छोड़कर धरने पर बैठ गई हैं। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री के सचिव पूरे नर्सेज एसोसिएशन को पूरे मध्य प्रदेश से बुलाया गया है, जहां पर चर्चा की जाएगी, बातचीत होगी, तभी कुछ निर्णय हो पाएगा। यहां आपको बता दें, हाई कोर्ट का भी फैसला कल आने वाला है। हाई कोर्ट के पक्षकार एवं शिकायतकर्ता भी शामिल होंगे। सुनिए नर्स एसोसिएशन ने मीडिया से क्या कहा। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। नर्सों का हड़ताल चल रहा है और यहाँ गीत गाया जा रहा है, क्या कारण है? कारण अब ये देखिए, भजन को लेकर के क्या बेसिक कारण क्या बनेगा? ये तो इतना अच्छा वातावरण बना देता कि यदि कोई चीज़ किसी भी चीज़ को मनवाना हो, यदि हम पॉजिटिविटी भगवान को लेकर के, सनातन पद्धति को लेकर के कोई भी चीज़ आगे चलते, तो उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। और हम नहीं चाहते कि हमारी जो मांगे हैं वो सरकार के सामने या गवर्नमेंट के सामने ये शो हों कि हम उनसे विरोध लेके कर रहे हैं। वो हमारी इन चीज़ों को, इन भावनाओं को समझें कि हम उनसे गा के अपने भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं, कि गवर्नमेंट हमारी इस बात को समझे कि ये कोरोना के काल में जिस तरह यहाँ पे बैठी हुई कविता NRHM, कविता त्रिपाठी नाम की एक लड़की है NRHM की, जिनकी माँ हमारे सामने ही दम तोड़ी, इतना दर्द था उस समय, उनके घर की कंडीशन इतनी बुरी थी। अपने यहाँ कविता द्विवेदी हैं, जिनके ससुर अचानक से सर्टिफाई हो गए, मतलब इतनी हृदय विदारक घटना कि इन सबको साइड में करते हुए भी हमने लगातार ड्यूटी। जितने भी मरीज हैं वो सेवा से आपके वंचित हो रहे हैं और यहाँ पे संगीत का कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे में कैसे आप? देखिए, जब घर में माँ चली जाती है तो घर कितना सुना लगता है। आप हॉस्पिटल जाके देखेंगे, आपको वार्ड बॉय मिलेंगे, स्वीपर मिलेंगे, डॉक्टर साहब मिलेंगे, लेकिन यदि सिस्टर नहीं तो लगता माँ नहीं है। माँ के बिना पूरा घर सूना है, बिल्कुल सुना, हॉस्पिटल बिल्कुल सुने पड़े हैं। और लगातार हमको भी ये बहुत कष्ट हो रहा है कि यदि गवर्नमेंट को लग रहा है हम जायज़ हैं, वो खुद समझ रहे हैं इस चीज़ को, तो इसमें थोड़ा संवेदनशीलता को अपनाते हुए हमारी जो मांगे हैं उन पर गहन विचार करने की कोशिश करें। यही हमारी हाथ जोड़ के गवर्नमेंट से प्रार्थना है, हमें आगे और विध्वंसक, मतलब आप सेवा करने के लिए तैयार है अगर आपकी मांगे पूरी हो जाए? बिल्कुल तैयार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना है, अर्चना कनौजिया है। मैं यहीं संजय गांधी सुपर स्पेशलिटी में कार्डियक में काम करती हूँ, कार्डियक इंचार्ज।